गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में नशे के विरुद्ध एक विशेष अभियान ऑपरेशन सिकंजा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुना पुलिस द्वारा नशा माफियाओं के विरुद्ध एक के बाद एक बड़ी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही को अंजाम देकर उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जिले के राधवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रजापुरा में भारी मात्रा में अवैध शराब बनाए जाने की जानकारी मिलने पर आज भारी पुलिस फोर्स ग्राम रजापुरा में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान करीब 3 लाख कीमत का 6,000 लीटर लहान एवं शराब बनाने के विभिन्न उपकरण को नष्ट करते हुए हाथ भट्टी की बनी करीबन 50,000 के 300 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। एवं अंगावैध शराब बनाने वाले बदमाशों को चिन्हित कर तीनों लोगों के विरुद्ध थाना राधोगढ़ में अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए। गुना से अरविंद गौड़ की रिपोर्ट। गुना जिले में ऑपरेशन शिकंजा जो कि नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा है, इसके तहत समय समय पर बड़ी कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं। अभी राघोगढ़ थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में जहां अवैध देशी शराब बड़े ही देशी तरीके से बनाई जाती है, वहां लगातार पहले भी दबिश दी गई है, काफ़ी नियंत्रित हुआ है। वहां पर लोगों ने दारू बनाना शराब बनाना छोड़ा है, दूसरे व्यवसाय को अपनाया है, परंतु फिर भी अभी कुछ बहुतायत संख्या में लोग वहाँ दारू शराब का व्यवसाय अवैध शराब का कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज एक बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा वहां, एसडीओपी रावगढ़ के नेतृत्व में, और वहां पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान गांव के आउटर में वहां पर शराब बनती हुई पाई गई जो कि बिल्कुल ताज़ी बन रही थी। इसके अलावा बनी हुई रखी हुई थी, लहान पाया गया, 6,000 लीटर लहान वहां पाया गया, 300 लीटर दारू पाई गई, शराब पाई गई जो कि अवैध शराब थी। इसको जब्त किया गया है, लहान को नष्ट किया गया है। पुलिस और एक्साइज की टीम संयुक्त थी और वहाँ पर एक कार्रवाई करते हुए 3 बड़े प्रकरण बनाए गए हैं जो कि आरोपी मौके से फरार हुए। वहाँ जो भी इस तरह का अवैध सामान था उसको जब्त किया गया है, बाकी सबको आगामी गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से एक बड़ी संख्या में वहाँ कार्रवाई हुई है। धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि ये गांव और इस तरह के बाकी गांव जो हैं वो शराब बनाने के कार्य से मुक्त हों और दूसरे किसी कार्य में लगें जिसमें कि पुलिस और प्रशासन उनके लिए मदद कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। इस दिशा में धीरे धीरे हम जा रहे हैं। इस गांव में भी लगभग अब मात्र 40% लोग ही हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो आने वाले समय में मुझे लगता है, हमारी उम्मीद है कि वे भी एक समाज की मुख्यधारा में अपराध छोड़ के सम्मिलित होंगे। बड़ी कार्रवाई में सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अच्छा कार्य किया है, उन्हें पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है।